दोस्तों, बॉलीवुड में करियर बनाना बेहद ही कठिन काम होता है, जो सबके बस की बात नहीं होती। कड़ी मेहनत और लगन के बाद या कुछ गलत तरीके से जाकर बनता है। बॉलीवुड में हर अभिनेत्री को अपने करियर की शुरुआत करने के लिए किसी न किसी बात का समझौता करना ही पड़ता है। यदि किसी अभिनेत्री का करियर बीच में रुका हो या आगे नहीं बढ़ रहा हो तो वे समझौते के दम पर अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं और कामयाब भी हो जाती हैं। अब अगर हम बात करें बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का जिक्र कई बार अभिनेत्रियों ने किया है, लेकिन सबसे अधिक संगीन मामला जो था वो बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का मामला था। कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि अपने करियर के लिए एक निर्देशक के साथ ऐश्वर्या राय हमबिस्तर हुई थी। बता दें कि फिल्म ताल के बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद ऐश्वर्या का करियर बिल्कुल थमसा गया था। धीरे धीरे उनकी सभी फिल्में फ्लॉप होने लगी, यहाँ तक कि उन्हें बॉलीवुड में फिल्में मिलना भी बंद हो गई थी। इसके कुछ समय बाद बॉलीवुड की सबसे हिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या राय दिखी, जिसमें उनके साथ सलमान खान ने अभिनय किया था। इस फिल्म में उस वक्त की कई बड़ी अभिनेत्रियों को काम करने का मौका मिला, जिसमें महिमा चौधरी, मनीषा कोइराला शामिल थी, लेकिन इन सब को छोड़कर ऐश्वर्या राय लीड रोल में नजर आई। बता दें कि कई अभिनेत्रियों को हटाकर ऐश्वर्या राय को अचानक रोल मिलना सबको चौंकाने वाला था। तब शक्ति कपूर ने ये दावा किया था कि ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म में सुभाष घई के साथ हम बिस्तर होने का समझौता किया था। हालांकि बाद में शक्ति कपूर ने इस बात के लिए मना किया और इस बयान के लिए माफी भी मांगी थी। इस फिल्म के समय ऐश्वर्या के बॉयफ्रेंड सलमान ने निर्देशक सुभाष घई को थप्पड़ भी मारा था, जिससे लोगों का शक यकीन में बदल गया था। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वाकई में ऐश्वर्या राय ने फिल्म में काम पाने के लिए समझौता किया था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।